गाइस, आईपी एड्रेस किसी भी इंटरनेट डिवाइस का एक इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है, जो कि नेटवर्क में वाईफाई राउटर, स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन बनाता है। और आईपी एड्रेस की हेल्प से हम एक डिवाइस के साथ और बहुत सारी डिवाइसों को भी जोड़ सकते हैं, जिनमें आईपी एड्रेस और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन बनता है, जिससे कि हम उन डिवाइसों के बीच अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में सुना है और आप आईपी एड्रेस से जुड़ी और सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इंटरनेट का मतलब होता है कंप्यूटर का बहुत बड़ा जाल, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, जो इंटरनेट के द्वारा आपको दी गई है, जो डिवाइस, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन और हमारे बीच एक कम्युनिकेशन इंटरेक्शन पैदा करते हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। इसमें पहला होता है IPv4 वर्जन और दूसरा होता है IPv6 वर्जन। IPv4 का मतलब होता है जो हमारे नेटवर्क डिवाइस से हमारे कंप्यूटर या हमारे डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, वो अभी फिलहाल IPv4 में कनेक्ट होती हैं। हाल ही में इसका यूज अभी ज्यादा होता है। IPv6 का भी यूज ज्यादातर होने लगा है। बस IPv4 और IPv6 में क्या अंतर है? IPv4 का एक लिमिटेशन है जो किसी भी टाइम खत्म हो सकता है, और IPv6 एक ऐसा IP एड्रेस है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यानी कि इस बात पर गौर करें कि हमारी पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट 90% तक भी बढ़ जाता है, तो IPv6 ही हमारे इंटरनेट और नेटवर्क डिवाइसों को संभाल सकता है। IP एड्रेस को नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है, जो नेटवर्क में वाईफाई राउटर के द्वारा हमारे डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, और IP एड्रेस की मदद से हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ने में हेल्प करता है, और साथ ही किसी भी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्यादातर IP एड्रेस का यूज इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है। आज के इस इंटरनेट युग में IPS के अलावा भी बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके द्वारा आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्हीं में इंटरनेट का एक एलिमेंट है IP एड्रेस, जिसके द्वारा आप किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये IP एड्रेस हर डिवाइस का अलग IP होता है। मान लीजिए किसी भी वाईफाई राउटर से अगर आप कनेक्ट हैं, तो उसमें आपका स्मार्टफोन और आपका कंप्यूटर वाईफाई के द्वारा एक अलग अलग IP क्रिएट करेगा, जिसके चलते आप दोनों डिवाइसों में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपके वाईफाई से आपका एंड्रॉइड TV, आपका स्मार्टफोन और आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, तो वाईफाई राउटर हर किसी डिवाइस को अलग अलग IP देगा, जब ही उनमें इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा। IP एड्रेस डिवाइस को इंटरनेट में एक नई पहचान देता है, मतलब किसी भी दो डिवाइसों का IP कभी सेम नहीं हो सकता। यदि आपको एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस को जोड़ना हो, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल IP एड्रेस का होता है। यदि आपको नेटवर्क में दो कंप्यूटर एक साथ जोड़ने हों, तो उन दोनों को आपको अलग अलग IP देना होता है। कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल IP एड्रेस का होता है। जब आप इंटरनेट पर ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं, तो वाईफाई राउटर आपके IP एड्रेस के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर करता है, जिससे आप जो भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, IP एड्रेस उस वेबसाइट से आपका कम्युनिकेशन बनाता है और आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के बिना आप अपना कम्युनिकेशन किसी दूसरे से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन बनाने के लिए IP एड्रेस का सबसे बड़ा रोल होता है। IPv4 का IP एड्रेस ये सबसे पहला वर्जन है। जब इसको लागू किया गया था, जब से आज तक ये 32 बिट में होता है। ये डेसिमल मेथड में होता है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके हर एक पार्ट में 8 बिट होते हैं और इसकी शुरुआत 0 से लेकर 254 तक होती है। आप ये कह सकते हैं कि आप एक वाईफाई राउटर से नेटवर्क के द्वारा 254 डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। IPv4 इंटरनेट में सबसे सिंपल वर्जन है। यह इंटरनेट के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक भी है, जबकि इस टाइप के वर्जन में अनलिमिटेड IP नहीं बन सकते हैं। जैसे कि आज के समय में आपने देखा है, पहले टाइम से इंटरनेट का यूज अब ज्यादा होने लगा है, और इसकी वजह यह है कि नेटवर्क में IPv6 की जरूरत पड़ने लगी है। IPv6 वर्जन में हमें अनलिमिटेड IP बनाने की फैसिलिटी मिलती है। इसमें आप दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ दें, वो भी IPv6 में कनेक्ट हो जाएंगे। चाहे दुनिया के 100% लोग भी IPv6 से जुड़ जाएं, तब भी IP एड्रेस खत्म नहीं होगा। इसलिए IPv6 को एक एडवांस वर्जन माना जाता है। इसकी बिट की बात करें तो ये 128 बिट में होता है। इसको कोलन या हिंदी में कह लीजिए अपूर्ण विराम इस तरह के भागों में बांटा गया है। IPv6 कुछ इस तरह का दिखता है। IP एड्रेस को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहला होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, देन उसके बाद होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, देन थर्ड जो होता है वो है स्टैटिक आईपी एड्रेस, और चौथे नंबर पे जो आता है वो आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस को राउटर में मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाता है, या कह सकते हैं ये वाईफाई राउटर का एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है जो आपकी सभी डिवाइसों में जाके कनेक्ट होता है। इस तरह के आईपी से प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके डिवाइस होते हैं वो सभी कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने के काम आता है। ये सभी डिवाइसों को अलॉट किया जाता है और उनमें मैनुअली असाइन किया जाता है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर के द्वारा डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस एक तरह का ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो कंप्यूटर और वाईफाई राउटर में मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये स्टैटिक आईपी है। ये कभी चेंज नहीं होता है, ना ही ये समय समय पर बदलता है। स्टैटिक आईपी का यूज ज्यादातर हॉस्पिटल या फिर कॉलेज या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी में यूज किया जाता है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि आधार कार्ड को बनाने के लिए भी स्टैटिक आईपी का यूज होता है। लास्ट में आता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस एक तरह का ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो अपने समय के साथ साथ बदलता रहता है। जब वाईफाई राउटर में इंटरनेट चलाने के लिए आईएसपी इंटरनेट का लॉगिन करता है तभी राउटर को एक डायनेमिक आईपी दे देता है, और आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो डायनेमिक आईपी खुद चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ देर बाद अपना वाईफाई राउटर ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपको डायनेमिक आईपी चेंज हुआ मिलेगा। इसलिए वाईफाई राउटर को डायनेमिक आईपी असाइन किया जाता है जो कि कुछ समय के लिए होता है। वैसे देखा जाए डायनेमिक आईपी और पब्लिक आईपी एक ही कैटेगरी में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें।